लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव में बूथों की स्थिति, मतदेय केंद्रों पर शुद्ध पेयजल, शौचालय, बिजली, सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर CDO अनुज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव सहित जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। बैठक में जनपद में बनाए गए मतदेय केंद्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए वहां व्याप्त कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। भी विजिट कर लीजिएगा, सिर्फ बूथ से मतलब नहीं रहता है, उसकी जड़ कहीं और दूसरी जगह तक फैली रहती है, तो कहीं आपको चौकीदारों से मिल जाएगी, कौन बदमाश है, कौन क्या है, तो उसको वॉच करे रखना है। वर्नेबिलिटी दोबारा चेक कर लीजिएगा, मैंने गाइडलाइंस बताई थी जो सर ने। और एक जगह आपने खड़ोहा में लिखा है कि फाटक खराब है, क्या बंद नहीं होता है या टूटा है? टूटा हुआ। वर्नेबिलिटी के बारे में आपको जानकारी थी? कोई ऐसा दबंग व्यक्ति तो नहीं है जो वोट देने से रोकता या किसी पार्टी विशेष के लिए वोट करने के लिए कहता है? उसका जो मतदान क्षेत्र होता है जहाँ से वोटर्स आते हैं उसके एरिया, उसका भी आप VLO के थ्रू जानकारी कर लीजिए और अपना खुद भी विजिट कर लीजिए, तो संतुष्ट हो जाइए कि आके ठीक है, कोई वोटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे बैठ के करा के सूचना लेंगे हर बूथ के बारे में, क्योंकि उनके पास हर लेवल से शिकायत आएगी, चाहे ECI से आए, चाहे कोई पब्लिक, उनका नंबर भी पब्लिश होगा, तो लोग उनसे फ़ोन करेंगे, तब वो आपके एरिया में आएंगे कि बताइए आपने क्या जांच की, क्या उनको पर्सनल डायरी रहेगी, वो आपके पास सारे डिटेल होंगे, प्रधान का नंबर, चौकीदार का नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन बूथ के बारे में आपकी डायरी में रहनी चाहिए, जितनी आपको आवश्यक है वो सूचनाएँ हम लोग यहाँ से दे देते हैं, लेकिन बाकी कलेक्ट करनी पड़ेगी पूरी बूथ के। आप बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरह पावर का इस्तेमाल करना है और उसकी तरह सारी जानकारी आपको रखनी है जो गाइडलाइंस बताई गई है। 144 टेलीफोन के बारे में बता दिया है कि कोई आवश्यक नहीं, मोबाइल फोन से भी काम चल जाएगा। और आपने लिखा है दिव्यांगजनों के जनों के लिए यहाँ पर रैंप नहीं है, 55 नंबर बूथ पर बिजली क्षतिग्रस्त है। मोबाइल तो हुआ कम, लेकिन जो पानी बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पानी कम आ रहा है जी, तो हमारा वाटर लेवल डाउन हो गया, उसकी सारी एसी के सेक्टर 145 आपने लिखा है कि टेलीफोन वाला बता दिया, कोई क्षतिग्रस्त हुई है? प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर और सर बसी प्राथमिक विद्यालय से बसी सेफ रखेंगे और वहाँ पर पुलिस फोर्स भी रहेगी हर पोलिंग बूथ पर, तो उसके लिए खिड़की वगैरह टूटी की कोई चिंता ज़्यादा नहीं है। 146 जी सर, आपने एक बूथ के संबंध में लिखा है पोलिंग स्टेशन नंबर 106-8 में जी सर, तार खींचा जा रहा है सर, लेकिन हमें मीटर और कुछ खींचा नहीं लगा है। अच्छा, और ये बूथ नंबर 123 में आप 2003 के बोलो।